अस्सलाम वालेकुम यमुना। अब मुझे मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं महजबीन से बात कर रही हूँ या मैं मुश्क से बात कर रही हूँ, मुझे बताएं मैं किससे बात कर रही वालेकुम अस्सलाम। आप बस यमुना से बात करिए, वो जैसे जैसे कैरेक्टर से बात होती जाएगी वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी एक्टिंग दोनों ड्रामों में इतनी अच्छी है कि मुझे लग रहा है कि आप वाकई थोड़ी थोड़ी माजबीन और थोड़ी थोड़ी मुश्किल हैं। और सब देखने वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू यमुना। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के हालात अभी ऐसे हैं कि हम लोग आमने सामने बैठ के नहीं मिल सकते। मैं कराची में हूँ, यमुना टेक्सिस में है, और बहुत कुछ हजार मील का फासला है हमारे बीच में, हजारों बल्कि, एंड वी डोंट नो, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। पहले तो आप, इससे पहले कि हम ड्रामों की बात करें, आई नो कि जितने देखने वाले हैं वो बेताब हैं जानने के लिए कि महजबीन का पीछे क्या है और मुश्क के पीछे क्या है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये लॉकडाउन का वक्त आपके लिए कैसा गुजर रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो आमना, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम सो ग्लैड टू सी यू इतनी छोटी सी स्क्रीन पे भी। बट ये कि सही है, अच्छा है, मैं आपकी रिव्यूज देखती हूँ, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और जहाँ तक बात है लॉकडाउन की, तो मैं अपना बहुत सा टाइम यहाँ अमेरिका में गुजारती हूँ, फैमिली के पास जब आती हूँ तो मेरा टाइम ऐसे ही होता है घर पे, तो मुझे को बहुत ज्यादा बाहर जाने का शौक नहीं है, तो वो फिर मेरे लिए इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ, एक हाईलाइटेड चीज हो गई कि लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज मैं रिलैक्स करने के लिए आती हूँ, और ये टाइम मेरा मेरा थोड़ा सा काम बस रह गया था वहां पे पाकिस्तान में, बाकी ऑलमोस्ट मैं पिछले 9 महीने से काम कर रही थी लगातार। आई नीडेड दिस ब्रेक, सो आई एम एंजॉइंग इट, रिलैक्स कर रही हूँ। अपने रमजान है तो रोजे, नमाजें, वॉक यहाँ पे। अच्छा, ये आपकी लीज है कि आप जो है ना बाहर वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, तो तो वो बस वैसा टाइम गुजर रहा है बस, आपकी लेकिन रूटीन फैमिली सही जो है। है वो टेक्सास में है, आपके पेरेंट्स और कौन कौन है? मेरी मेरी फैमिली में मेरी अम्मी वैसे मेरे साथ होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं वो मेरे साथ, वो वैसे पहले आ गई थी इधर, तो बाकी मेरा भाई होता है यहाँ पे, और बाकी मेरी दो बहनें हैं, वो मैरिड हैं, एक लाहौर में एक यहीं पे है, तो अच्छा, बस ये छोटी सी फैमिली है। पिछले साल मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, ये तो वो बस ये सारा सिलसिला है। अच्छा है कि बिटवीन फैमिली एंड वर्क आपको जहाँ काम लेके जाता है आप वहां जाती हैं हाफ द ईयर हाँ, या ऐसे ही तो है काफी फुट लूज आप, मतलब है कि मुझे कुछ नोमैड लग रही हैं, कभी इधर कभी मेरा उधर। मेरा घर, मेरा घर, मेरा सूटकेस है, सूटकेस में सारा सामान होता है। ठीक है, एक घर कराची में भी है, एक घर यहाँ पे अमेरिका में भी है, और काम के मामले में मैं इतनी पैशनेट हूँ कि मैं जो वो 21-21, 22-22 घंटे के ट्रेवल करती हूँ और आ जाती हूँ। कभी छोटा सा ब्रेक मिलता है तो फिर वापस यहाँ आ जाती हूँ, तो बस ऐसे ही है। बट आई एम हैप्पी इन माई लाइफ सो फार, इट्स कमिंग अलोंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ग्रेट। एंड यू डन सो वेल इन द लास्ट 1 ईयर। मेरे ख्याल है 2019 में लगातार बैक टू बैक आपके सक्सेसफुल ड्रामा प्रोजेक्ट से, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इनकार था, एंड आई वुड से दैट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रामा, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी। जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ, आपने अच्छा, इतना अच्छा किरदार उसका अदा किया, उसके साथ साथ दिल क्या करे चल रहा था और वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था, एंड यू डिड सो वेल इन दैट। इस साल भी 2 साल साथ, मुझे लगता है आप वर्कहोलिक सी हैं, इस साल भी आपके साथ साथ चल रहे हैं अभी प्यार के सदके। लेकिन आई मीन लेट्स बिगिन विद प्यार के सदके के, मतलब माँ, जब मुझे पता है ना, पिछले साल जब मैंने आपके ड्रामे देखे तो मैंने ये तनकीद की थी कि मैं आई विश दैट आई सॉ यमुना इन अ लाइट हार्टेड रोल, और मैं तो थक गई हूँ इस कैरेक्टर को रोते हुए देख के, और मैं चाहती हूँ कि ये मुझे ये एक्टर हंसती भी नजर आए किसी को। और फिर आपने क्या कॉमेडी मारी, हमने कहा हमारे मुंह पे मारी कि ये ले फिर। मैं, व्हाट अ रोल, आई मीन हाउ वेल हैव यू प्लेड इट, इज, आई मीन द कैरेक्टर इज अमेजिंग। आप मुझे ये बताएं कि ये कैरेक्टर जब आपको मिला था तो आपने क्या सोचा? आमना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कैरेक्टर, इट वॉज सो हार्ड टू हैंडल, इट वॉज सो हार्ड टू हैंडल, क्योंकि एक तो ये कि वो जिस तरह का लिखा हुआ है वो बहुत लाउड है, और बहुत से लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाए कि भाई असल में ऐसे लोग होते कि नहीं। फिर जिन डायरेक्टर के साथ में काम कर रही थी, फारूक भाई, वो
उसको उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया, लेकिन उनकी अलग से फरमाइशें होती थी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इम्प्रोवाइज भी हो सकता है. तो सोचिए ऑलरेडी लाउड चीज में जब आप इम्प्रोवाइज करें तो उसकी एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल होता होगा. और मैं शुरू शुरू में मैं कहती रहती थी मैं अच्छा नहीं करी. तो मुझे बिलाल कहने लगा, देखो यमुना, अगर तुम ऐसे कहोगी तो ना हम सबका मोरल जो है वो हो जाएगा, थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे. मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, यमुना आप ऐसे कहेंगी तो ना ये ना हो कि हम मान ही ना जाए कहीं कि आप अच्छा नहीं करी. तो लेकिन ये कि मैं सारा वक्त मैं डरती रही वैसे ये कैरेक्टर करते हुए. इवन जब ऑनियर भी होना था अमना, आई वॉज सो कंफ्यूज्ड, मैं बहुत डरी भी थी कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बट जब मैंने इसकी पहली 3 किस्तें पढ़ी थी तो आई जस्ट लव्ड द कैरेक्टर, द एनर्जी. और मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, अपनी मतलब कैसे माजीविन का कैरेक्टर डेवलप कैसे हुआ? कोई आपके पास इंस्पिरेशन थी आपके सामने, कोई दोस्त, कोई कैरेक्टर किसी फिल्म का कि यार ये माजीविन टाइप है मुझे ऐसा करना है? हाँ, माजबीन का जब मैंने पढ़ा था तो जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग लाहौर में रहते थे, तो हम लोग कराची आते थे नानी के पास. बताऊं ये थोड़ा थोड़ा सा किस्सा है. हम नानी के पास आते थे तो वो नानी का घर था, तो उनकी नेबर्स में एक हेल्पर होती थी जो कि एक फैमिली मेंबर की तरह ही थी पूरे ही कंपाउंड में. उनका नाम था यास्मीन. तो वो ऐसी थी, वो इंतहा से ज्यादा स्टूपिड बात करती थी, लेकिन वो और हम हंसते थे जब हम उनके बारे में जिक्र करते थे तो नानी के तो हंस हंस के आंखों में पानी आ जाता था. और उनकी मैं नकली उतारती थी और वो घर वालों को हंसाती थी उनको उनकी कॉपी करके. तो वो इस तरह की थी, लेकिन वो एक ऐसी खातून थी जो कि घरों में काम भी कर रही है, लोगों की मदद हेल्प भी करा रही है, वो अपना भी घर उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है. तो इस तरह कैरेक्टर था. एक मैंने अपनी नीस का थोड़ी सी उसके एक्ट्स, क्योंकि उसमें बचपना भी है तो मेरी छोटी जो नीस है कि उसका जैसे रोना, थोड़े ड्रामे करना, वो थोड़ा सा झूठ बोलती है अपनी बातें मनवाने के लिए. शाने फातिमा है उसका नाम. तो वो उसको मैंने थोड़ा सा पिक किया. और फिर जाहिर सी बात है जो राइटर ने इतना जबरदस्त लिखा हुआ है कैरेक्टर को, फिर फारूक भाई बताते रहते थे कि इस तरह करो, इस तरह की एक्सप्रेशन दो. एक एक्सप्रेशन वो कभी कभार बताने बैठ जाते थे, मैं कहती थी हाय अल्लाह कैसे करूंगी, क्योंकि किसी कर बड़ा मुश्किल था मेरे लिए करना वैसे. अच्छा, शायद आपको वो सीन याद ना हो, लेकिन वो एक बड़ा क्यूट सीन है कि जब उसको मेरे ख्याल है अब्दुल्ला पूछता है कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो, और वो अपने बड़े क्यूट तरीके से हाँ करती है. तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ आप मुझे माजबीन बन के जवाब दे, क्योंकि वो क्या क्यूट एक्सप्रेशन था. आप बड़ा कैरेक्टर में चले. हाँ, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. आई थिंक वो ऐसे ही होता है, वो हंस ज्यादा ही होती है और जवाब कम बड़ी क्यूट दिखती है. हाँ, बट ये कि जब किसी को मेरे लिए शायद उस तरह करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं अभी जैसे आप मेरे से बात कर रही है महाजबीन के बारे में, तो मैं उसी की तरह ही शायद बोलना शुरू हो गई एकदम से. I need to be normal, but ये के very interesting choice of word normal. Now, when this drama started, we were convinced के माजबीन is not completely sane. के थोड़ा सा इस character को थोड़ी सी कोई she's a little special और थोड़ा सा इसको mentally challenged है ये. क्या है वो मेंटली चैलेंज्ड कि नहीं? अच्छा, पता क्या है आमना, हम लोग देखें, मेरा तज्जिया गलत भी हो सकता है. मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत वो ऑटो पे है मेरा दिमाग. मैं लोगों को ना, मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं बचपन से लेके अब तक, मैं बड़ा ऑब्जर्व करती रहती थी. अच्छा, अब ऐसा होता है कि हम या तो आई एम श्योर कि आप ये नहीं कह रही होंगी, या एक ब्लैक और एक व्हाइट के बीच में ग्रे के बहुत सारे टोन्स होते हैं. तो उसमें अगर हम मेंटली चैलेंज्ड को हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशल या स्लो के उसमें ले जाते हैं,
अगर मैं महजबीन को डिस्क्राइब करूं तो वो सेंसिटिव है, समझदार भी है. थे हमें बचपन से अम्मी कहती थी कि यानी कि समझदार दुश्मन से ज्यादा नुकसान दे बेवकूफ दोस्त होता है. तो बेवकूफी के भी मुझे ऐसा लगता है कि लेवल, जो मैंने आपको वो यास्मीन की वो जो हमारे वहां पे हेल्पर होती थी उनकी एग्जांपल थी, वो ऐसी थी बट वो नॉर्मली काम भी करी होती थी. मैं टोटली ये नहीं कहूंगी अच्छा. और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामास या फिल्म्स या इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज अगर किसी चीज पे बनाई जाती हैं तो हमेशा एक्सेप्शंस पे बनाई जाती हैं. तो अगर कोई स्पेशल, अगर मैं इसको कहूं तो स्पेशल एक बड़ा अच्छा वर्ड है किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल करने के के लिए जब वो होता है. तो मैं मेंटली चैलेंज नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इतिहास ज्यादा बेवकूफ है लेकिन उसको समझ भी है. उसने अपनी जिंदगी में कुछ पोर्शंस रखे हुए हैं कि ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए. जैसे इसके माँ बाप है, शादी होके आ गई है तो वो कुछ ना कुछ करेगी बट वो नहीं चाहेगी कि वापस अपने शोहर से खत्म करके वापस अपने घर आए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और सोचती है. तो आप कह रही हैं कि नहीं जी, नहीं वो मेंटली चैलेंज नहीं है, स्पेशल नहीं है. तो आप मुझे ये बताएं अपना कि इन दिस डे एंड एज, और ये विक्टोरियन एजेस में तो लिखा नहीं गया ड्रामा, आजकल का कंटेम्प्रेरी ड्रामा, मैं तो नहीं किसी ऐसी लड़की को जानती जिसको ये नहीं पता कि प्रेगनेंट कैसे होते हैं. आप मुझे ये बताएं कि जो माजबीन है, लेकिन बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात से सोती है, मियां इसका सोफे पे सोता है, तो ये इसको प्रेग्नेंट ये कैसे इसके दिमाग में कि मैं हो गई? क्या इसको कुछ नहीं माँ बाप ने बताया? अब देखिए अच्छा अब ये देखिए मैं अभी आपको कैसे जवाब दूं इसका, क्योंकि ये एक कह लें लैक ऑफ एजुकेशन, lack of knowledge, अगर क्योंकि माँ बाप इस तरह की बातें कहते हुए उनको शर्म आती है. मैं अपनी अगर एग्जाम्पल दूँ तो शायद कोई भी नहीं मानेगा. बहुत हद तक मुझे बहुत सी चीज़ों का, मैं काम भी कर रही थी, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी की हुई थी, मैं अपनी नलायकी कहूँगी या शायद मेरी वालदा ने बहुत कुछ अच्छा बुरा मुझे बताया, लेकिन बहुत सी बातों का मुझे नहीं पता था. मैं इस मामले में महजबीन को टोटली डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन लोग देखिए आजकल के जमाने में नहीं होता होगा, लेकिन मैं अगर अपनी एग्जांपल देखूं आमना, तो मेरे साथ शायद मैं कभी लेटर इन माय लाइफ में एक वाकया बताऊंगी जो कि मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा, मुझे बाद में इंफॉर्मेशन पता चली कि अच्छा इस तरह ये होता है. तो मैं अभी शायद नहीं बताना चाहूंगी, तो वाकई मैं महजबीन को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन बहुत सी चीजों का नहीं पता होता, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम बेवकूफी का लेवल दिखा दिया कि वो कह रही है कि नहीं, वो डॉक्टर को भी डिनाई कर रही है और वो चीजों को कह रही है कि भाई नहीं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बेवकूफाना किस्म के लोग या होते हैं. अच्छा, उसका रेडार कोई इतना ऑफ नहीं है, बिकॉज उसको ये पता है कि एक गुड टच और बैड टच क्या है, कि जब सर्वर ने उसको हाथ लगाया या तो उसको ये पता है कि ये गलत है. इसलिए क्योंकि आमना वो उसने एक्सपीरियंस किया है. वो उसने जब आपकी देखें, एक आपका दिमाग से, आप दिमाग से सोचते हो और आप जबान से बोलते हो, लेकिन अगर आप कोई फिजिकली कोई चीज एक्सपीरियंस करोगे तो वो आपके ब्रेन में जाके आपको राइट एंड रॉन्ग बताएगी. तो वो उसने फिजिकली एक्सपीरियंस किया फॉरन ही, राइट, कि वो और वो सिर्फ फॉरन बोल दिया. उसमें उसने कुछ प्रोसेस नहीं किया या उसने अपनी कुछ दिमाग लगाने की, वो फॉरन फॉरन एक्शन रिएक्शंस थे. तो वो शायद उसने जल्दी से बता दिया और एक्सप्रेस कर दिया उसको, जिससे वो सिक्योर फील करती थी. एब्सोल्युटली, मेरा भी यही ख्याल था कि वो भी एक बच्चे की तरह अपने अंदर कुछ रख नहीं पाई, एकदम उसने बोल दिया, फिल्टर उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, और सही गलत का जो उसका गेज है वो सही है. बिकॉज जब वो डॉक्टर हमाद के यहाँ अपनी चीजें वापस लेने जाती है तो आसीने चढ़ा के वो चीजें वापस लेकर ही वापस आती है. तो अभी भी मुझे ये उम्मीद है कि शायद अब्दुल्ला के साथ जो ज्यादतियाँ सर्वर कर रहा है उसको भी माजबीन विल जंप इन एंड सेव हिम,
or become that partner that, you know, we hope that she will become. चले अभी आप लोग देखिएगा आगे. It's comedy and emotional and a beautiful ride, I must say. क्योंकि हमें से बनाने में करने में बड़ा ही मजा आया था. It was such a great team to work with. Each and every cast member, the guy, the writer, director, producer, सभी sweet थे. बिल्कुल नहीं, और सारा cast जो है बड़ा सही बैठा है अपने अपने roles में. कोई भी एक बंदा नहीं आप देख के कह सकते कि ये अब ये कैरेक्टर फिट नहीं हो रहा या ये कास्ट सही नहीं हुआ हुआ, काश इसकी जगह कोई और एक्टर होता. पूरी कास्ट जो है ना, फ्रॉम अतिका ओडो टू मेहर राना टू मुंशी साहब कैरेक्टर टू सलमा हसन, आई मीन एवरीबॉडी इज ब्रिलियंट. लेकिन जो आपकी और बिलाल की कोई केमिस्ट्री जमी है प्यार के सत्य, तो ये बताएं कि आपको क्या करते हुए लगा कि हाँ भाई दिस इज समथिंग स्पेशल. बिल्कुल आमना, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. मेरे बहुत से फेवरेट एक्टर्स हैं जिसमें इरशा गजल हैं, नुमान इजाज हैं, अहमद अली अकबर के साथ मेरी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है. आप यकीन करें मैंने बिलाल के साथ बहुत एंजॉय किया. स्पेशल वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पेशल इंसान है. उसके साथ जो है ना वो एनर्जी बड़ी अच्छी कनेक्ट हुई. और वो वाला स्पेशल नहीं, अच्छा वाला स्पेशल. अरे यार देखा अभी स्पेशल का वर्ड कितना अच्छा है. मेरे डायरेक्टर हम लोगों को कहते रहते थे आप लोग स्पेशल हो, आप लोग स्पेशल हो. तो ना वो अब वो स्पेशल हमारे यहाँ अब्रॉड में स्पेशल उसको यूज किया जाता है, स्लो या स्पेशल. हम लोग स्पेशल यूज करते हैं खास में. तो हाँ, तो आई मस्ट से कि बिलाल जो है वो मेरी उसके साथ एज एन एक्टर एनर्जी बहुत ही जबरदस्त मैच हुई. और मैं बड़ी, मुझे अच्छा लगा कि उसने अब्दुल्ला का कैरेक्टर प्ले किया. कमाल, बारीकियों से लेके बड़ी चीजों, क्योंकि उसका कैरेक्टर बड़ा अंडर है. मेरा बड़ा लाउड है. और उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि बिलाल ने बहुत अच्छा काम किया है. प्यार के सदके तो एक चल रहा है और पूरी कॉम देख रही है और इतना इंटरेस्ट है उसमें और लोगों ने बड़ा होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया. इवन थीम जबकि उसकी अंडरलाइंग है सेक्सुअल हरासमेंट की भी, और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की गई है. ये भी सीम है कि जो अपनी मंसूरा बेगम है, बीइंग एन ओल्डर वुमन, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज हैं, और जो सर्वर है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटीज हैं, अब्दुल्ला की ऑफ कोर्स सब चीज. फिर हम आते हैं राज़े उल्फत की तरफ. अब राज़े उल्फत में जो, जी बिल्कुल आपने सही रोल बदला. राज़े उल्फत में जो मुश्क है उसमें भी कोई कोई माजबीन की बेवकूफियों की झलक तो दिखाई देती है. इन द सेंस के वो बड़ी एक मुख्तलिफ किस्म की लड़की है जो कि दिखाई भी है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड में पली बड़ी है. और अबू जी उसको पता है अबू जी को खुश रखना है ये वो हर चीज. अबू जी ने यूनिवर्सिटी तो कोएड भेज दिया है लेकिन वो डर डर के अपना कदम उठा रही है कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए, गाड़ी में भी दोस्त के साथ आना है ये वो. मगर जो उसकी सहबा के साथ, मतलब मुझे पता हसन ने बहुत मजाक उड़ाया, सहबा नवीद तो ये जो कैरेक्टर है ये आपको अगेन व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दैट कैरेक्टर. ओके, फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स आई वाज, in fact all my life I was very selective apne scripts pick karne mein. aur specially maine ye kyunki mujhe america se aana hota tha to main bahut soch samajh ke karti thi. to pichle kuch saalon se main bahut zyada selective kar rahi thi amna agar main dekhu. darsi jaati hai sila, it was dark, very dark in car, it was very very dark and very strong or thick. Then it was Ishq Zahir Naseeb, it was another kind of thing. Absolutely. ठीक है. Then I did this प्यार के सदके. तो I wanted to do because I started with the normal लड़की के characters. I started my career with that. तो मैं थोड़ा सा normalize
एक नॉर्मल सा कैरेक्टर जो कि आम लड़की करती है, जिसमें वो थोड़ी सॉफ्ट भी है, जिसमें वो हीरो को देख के एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी जाएगी, जिसमें उसको दुनिया की चीजें अट्रैक्ट करेंगी, खासतौर पे आजकल के जमाने में जहाँ पे आपका टिकटॉक है, आपका सोशल मीडिया इतना आपको दुनिया नजर आ रही है, रंग बिरंगे रंग नजर आ रहे हैं, और जिस घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो, जो कि वालदैन अपने पाकिस्तान में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे नेबर्स में या कुछ ऐसे होते थे तो जिनके माँ बाप बड़े स्ट्रॉन्ग वो होते थे ना, स्ट्रिक्ट, मेरे अम्मी अब्बा कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो उनके बच्चे जो है ना वो हमारे घर आके आमना वो हमारे घर आके कोई दंगा फसाद मचाते थे कोई, और अपने घर में वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते थे. तो इस तरह के बच्चे जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस में रखा जाता है, तो जो वो बाहर निकलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि बस यही है और अभी बस जी लो, यही जिंदगी है, यही एक्सपीरियंस कर लो सब चीजें. सो वो एक मैं कहना करना चाहती थी कि आम लड़की का कैरेक्टर, क्योंकि मेरे बहुत थिक और बहुत डार्क. अब देखिए महजबीन भी एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि यूजुअली आपको नहीं नजर आता, तो एक आम लड़की का कैरेक्टर करने के लिए आई डिड दैट. हाँ मतलब महजबीन हो या शाकरा हो या आपकी हाजरा हो या आपकी तिला हो, सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर्स थे. Even I think if Dil Kya Kare ka jo character tha wo zara sa Iman ka was also a normal girl. It was a bit normal. So aapko lagta hai ki jab aapke liye aapko cross kiya jata hai ya jab aapko drama offer hota hai to wo ye soch karte hain ki ye Yumna hai, she can handle a more complicated character. And you're becoming more of a character actor. Ki jab koi mushkil character hota hai usme they they think she is capable of taking the challenge and doing a difficult role. She's not just a pretty face. Kyunki bahut se hamare yahan mashallah se bahut talent hai is industry mein. There are talented women and men. Aur lekin main ye dekhti hu jab main drama across the board dekhti hu to ek kisam ki ek khoobsurat aur pyari ladkiyon ko bhi stereotype kiya jata hai ki inko un characters mein dalte hain ki ji aapne sirf rona dhona hai और आपने सिर्फ दो चार थप्पड़ खाने हैं अपने हस्बैंड से, आपने दब के रहना है या उस टाइप की चीज है. आपको मिलते हैं डिस्पाइट बीइंग द प्रिटी फेस यू आल्सो गेट द कैरेक्टर रोल्स, सो आई मीन दैट मस्ट मेक यू वेरी प्राउड. अल्लाह का शुक्र है जी, दैट्स ट्रू आमना, एंड आई फील ब्लेस्ड इन दिस केस बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, ब्यूटीफुल फेसेस, अच्छी एक्टिंग. मैंने व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग मेरा कभी भी नहीं था कि मैं टाइटल्स पे आऊंगी या मैं कभी हीरोइन बनूंगी. मुझे होता था, मैंने हमेशा अपने आप को बहुत ही अंडर रखा है, मुझे होता था कि शायद हीरोइन की फ्रेंड का या बहन का कैरेक्टर मिल जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. आई डोंट नो आमना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने हमेशा अपने आप को, अभी भी जब ये प्यार के सबके भी ऑनर होने लगा था या सिला भी, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा एंड आई एम रेडी फॉर दैट. मैं हमेशा अपने आप को वर्स्ट के लिए रेडी करके रखती हूँ, बट अगर मुझे अल्लाह की तरफ से मुझे अब पता लगता है कि मेरे पास ये एक्टिंग की पावर है, तो मुझे हमेशा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की मैं चॉइस होती थी. शायद उन्होंने शुरू में देखा कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, क्योंकि आई वाज नॉट टू मच इनटू मेकअप एंड इनटू माय आउटलुक कि मेरा मैं खूबसूरत दिखूं या कुछ. मेरा होता था कि बस कहाँ पे फोकस, तो इसलिए शायद. और दूसरा ये कि इस मामले में मैं वाकई लकी हूँ कि मुझे हमेशा सिलेक्टिव, और वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की चैनल टू चैनल टीम पे भी डिपेंड करता है ना, कि वो मुझे किस क्राफ्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं. आप समझ रही है ना कि डिफरेंट चैनल्स के ना डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं और वो उनके डिफरेंट तरीके हैं ड्रामा बनाने के. इसीलिए अगर मैं मेन अपने चैनल्स का नाम लूं जो जिसमें जियो ARY और हम टेलीविजन है, उनकी एक अलग अलग लीग्स हैं और उनकी अलग अलग व्यूअरशिप्स हैं, तो वो उस हवाले से मेरे क्राफ्ट को देखकर मुझे कैरेक्टर देते हैं. कुछ नॉर्मल लड़की के भी कैरेक्टर में मुझे देखना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं यार ये यमुना सी करवाना है. तो या
उसमें मुझे आई फील भी आपको कोई चैलेंजेस लगते हैं बिकॉज अब मैं देखती हूँ टेलीविजन इंडस्ट्री इतनी ग्रो करी है इन द लास्ट 10 years, और इस वक्त वो हाल है कि कॉम्पिटिशन इतनी ज्यादा है. एंड इफ यू लुक एट द टॉप टीयर ऑफ लीडिंग लेडीज, देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन टू गेट द राइट प्रोजेक्ट, टू बी विद द राइट हीरो, यू नो, टू बी विद द राइट चैनल, टू बी विद द राइट प्रोडक्शन डायरेक्शन, एवरीथिंग. तो आप डू यू फील द प्रेशर समटाइम्स? मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियां हैं, एज दे स्टार्ट वर्किंग उनको दे बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट बीइंग अ सर्टेन साइज, और वैसे तो आप बहुत गोरी और प्यारी हैं, लेकिन दे फील दैट दे नीड टू बी टू शेड्स लाइटर, या उनके लिप्स थोड़े से प्लम्प होने चाहिए, या उनकी उनके बाल एक सर्टेन लेंथ के होने चाहिए, और उनको सर्टेन तरीके से ड्रेस करना चाहिए टू अपील टू द मैसेज, और वो एक अपना बड़ा केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पर्सोना बना देती है, और थोड़ी देर बाद सारी एक जैसी लगनी शुरू हो जाती हैं. तो कभी आपको ये प्रेशर लगता है कि भाई आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस लीग? नो, नेवर. ये सवाल बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, कभी किसी ने मुझसे नहीं पूछा. ये जो सारी इनसिक्योरिटीज या ये सारी मशवरे आपके इर्द गिर्द के लोग देते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये करवा लो ये करवा लो, आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जानता. आप एक इंडिविजुअल पैदा हुए हो, आपका दिमाग आपका दिल जो कहता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो कभी भी किसी की बात में नहीं, कुछ होते हैं मेंटोर ऐसे कि भाई वाकई आपको सही गाइड करते हैं, बट अदरवाइज जो आजकल की दुनिया है मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की बात सुननी चाहिए. अगर आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है या अगर आपने लॉन्ग टर्म अपना प्लान करना है, तो आप ये टेम्परेरी चीजों के ऊपर रिलाय नहीं करो. आपको अपने हमेशा आमना, कोई भी आप सक्सेस स्टोरीज उठा के देखें या कोई भी लोगों के जो एक अपने एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने ऊपर उनको यकीन था, उन्होंने अपने उनका फेथ स्ट्रांग था, उन्होंने इन सब चीजों, क्योंकि बहुत टेम्परेरी चीजें हैं, ये यूं आती हैं यूं चली जाती हैं. मैं कभी भी नहीं कहूंगी, बट ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को, अपने साथ के लोगों को भी देखा कि वो फिर वो उतना मैसिवली काम नहीं कर रहे थे या उतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं कर रहे थे. बट ये कि फ्रीक्वेंटली खैर मैं भी नहीं करती हूँ, बट ये कि अपनी अपनी जर्नी आपको खुद डिसाइड करनी होती है. मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भाई यमुना तुम बीच की मांग मत, अभी भी देखें मैंने बीच की मांग निकाली फिर साइड की मांग निकाली. मुझे बहुत से यू नो कहते स्क्रीन पे सही नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, तो हर चीज आपके कंट्रोल में है. आपको अभी पता नहीं, आपने मेरे अगर पिछले सीरियल्स देखे एज हाजरा, इट वाज अ वेरी नॉर्मल लुकिंग फेस, उसमें अगर उसकी उसकी रिक्वायरमेंट थी कैरेक्टर की वो थी स्ट्रेंथ, वो उसके चेहरे पे थी, अदरवाइज मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं था. महजवीन को प्यारा दिखना था और क्यूट और मासूमियत और ग्लो उसके चेहरे पे, उसके दिल साफ है तो उसके चेहरे पे एक वो होना चाहिए. तो अगर आप अपने कैरेक्टर्स को लेके वो चीजें अपने चेहरे पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करो वो अच्छा है, बट आप अगर मोनोटनी हो जाएगी अगर आप हर उसमें एक सा दिखोगे और खूबसूरत ही दिखोगे, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभार हमारा आसमान भी चेंज होता है, सबसे खूबसूरत आसमान है, आसमान भी रोज चेंज होता है. तो जो चेंजेस है ना वो बड़ी अच्छी होती है, वो चाहे आप एज के साथ भी चेंजेस आ रहे हैं तो लेट इट बी. आप हमेशा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं दिख सकते, खुद भी अपने आप से बोर हो जाओगे. और कैरेक्टर के जो लुक होती है, आपने इतनी अच्छी बात की कि यू नो यू चेंज योर लुक अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, उसमें आपका अपना कितना हाथ है और डायरेक्शन का और प्रोडक्शन का कितना हाथ है? बिकॉज मुझे पता है हमारे यहाँ इतने बड़े बजट्स नहीं होते, इतने बड़े सेटअप नहीं होते कि एक्टर्स को पूरा क्रू मिले जो उनकी लुक क्रिएट करे और वार्डरोब क्रिएट करे. तो आपका फॉर एग्जाम्पल माजबीन और अपना मुश्क का टू कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऑल्दो मुझे मुश्क में थोड़ा थोड़ा गेटअप में हाजरा का अक्स आता है, द वे शी टेक्स हिज चादर एंड सर पे, एग्जैक्टली. तो उसमें ये कि आपको आपका अपना कितना इनपुट होता है उसमें? अपना देखिए डायरेक्टर बता देता है, जैसे मैं चाह रही थी कि मैं इसके लंबे लंबे बाल अपनी महजवीन के इसके लंबे बाल हूँ, बट मेरे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं आप छोटे ही रखो, छोटे बालों में मैं इसको देख रहा हूँ. बाकी जो मेरी
फेस और बॉडी की रिडक्शन है या मेरे वर्कआउट है, यानी कि मैं हर दफा शूट से आने से पहले महजबीन का जब मैं शूटिंग कर रही थी तो मेरा क्या रोजाना की रूटीन होती थी, मेरा क्या डाइट प्लान होता था, सुबह उठ के मैं जो है वो आइस का बोल में पानी डाल के वो अपने मुंह को उसका बात लेती थी और फिर यू नो वर्कआउट बड़ा करती थी बहुत ज्यादा, और क्योंकि बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जो कि मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐड करेंगी और वो शायद नजर भी आ रही हैं स्क्रीन पे. तो जैसे सिला की उसमें मुझे डायरेक्टर ने कहा था कि यमुना पुत्र आपने काश्मीर ने कहा था कि वेट बहुत कम करना है इसके लिए, तो बस मैंने टेक्सास की सड़कों में भागना शुरू कर दिया था. हर जगह मैं भागती हुई नजर आती थी, रनिंग करती, जिम ज्वाइन. तो ये है कि हम लोग थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, बट आमना मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा गुड प्रोड्यूस करना चाहिए. हम बहुत अच्छा, हमारे साल के दो ड्रामे अच्छे होते हैं, बट हमें और ज्यादा अच्छा करना चाहिए. हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. मैं कहूंगी कि हमारी फिल्म को बहुत ज्यादा और ग्रोथ अल्लाह करे कि मिले, कि इसमें कैरेक्टर्स बने, हम मेहनत करें, हम रोती धोती लड़की से निकल के कुछ काम करें, क्रिएटिविटी करें. क्या आप फिल्म की तरफ देख रही हैं? अब तो खैर सिनेमा से बंद है, लेकिन आई मीन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यमुना इन फिल्म्स? That depends के what is the future of our films. क्योंकि I'm very selective कि मैं अपने ड्रामे की ही मैं पिक करने में, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि just for the sake of doing a film, क्योंकि मुझे ऑफर होती हैं और मुझे पहले भी बहुत ऑफर हुई, but फिर एक तरह से कहते हैं कि बंदा चलो एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको it feels right तब मैं कहूँ कि यार हाँ मैं जरूर करना चाहूंगी. मेरे एक्टिंग के या मेरे क्राफ्ट के हिसाब से अगर मुझे कुछ मिलता है तो आई वुड लव टू. कोई आई वुड लव टू, व्हाई नॉट. कि आपके ज़हन में कोई ऐसी बाउंड्रीज और आउटलाइंस हैं कि भाई ये ऐसे रोल मैंने नहीं करने या ऐसे सीन, क्योंकि टेलीविजन व्यूइंग में और फिल्म में बहुत फर्क है. टेलीविजन जो है वो एक फैमिली मीडियम है, पूरे फैमिली बैठ के देख रही होती है, यू हैव टू प्ले इट वेरी सेफ. और लोगों ने कहा, बल्कि जो वो एक सीन था जब सर पर हाथ रखता है, तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि अच्छा अब यार के सदके अब फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता. तो मैंने कहा वो भाई खुदा का वास्ता है, कुछ नहीं हो रहा है रात के सदके में आप लोग. एग्जैक्टली. लेकिन फिल्म में थोड़ा सा सेक्स अपील, थोड़ा सा रॉन्चीनेस, थोड़ा सा बिग स्क्रीन ग्लैमर, वो बहुत जरूरी है. तो आर देयर एनी थिंग्स इन योर माइंड कि मैंने ये नहीं करना, मैंने नहीं करना ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ये सीन्स नहीं करने? व्हाट आर योर पर्सनल लिमिटेशंस? ओके, as far as character ki jo bhi demands hoti hain, kyunki abhi jo main Kasha Foundation ka kar rahi hu, that is a very bold script and it's a bold character I'm performing. Jo bata dein ki aap shooting abhi ho rahi hai, ruk gayi, uski shoot ho rahi hai, you will be back for it and we don't know when it's going to air, but this is one of your forthcoming projects. Exactly. लेकिन देखें आमना, मुझे ऐसा लगता है, देखें हम बिग स्क्रीन की बात करते हैं तो हम लोग ज्यादातर इंस्पायर हैं अपने इंडियन सिनेमा से. अब इंडियन सिनेमाज और इंडियन कल्चर और इंडियन चीजें डिफरेंट हैं. हम लोग उस हम कहें माने या नहीं माने, लेकिन हम लोग इंस्पायर होते हैं. हम लोग अपना, हमारा क्या कल्चर है, हमारी अपनी रूट्स क्या है, हम लोग कह लें अगर उस एतबार से, मजहबी एतबार से, कल्चरल एतबार से, हम लोग इतना ज्यादा, हम लोग थोड़ी कंफ्यूज कौम है. हमें खुद ये नहीं पता कि हमारी एंटरटेनमेंट क्या है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी, टर्किश फिल्म थी, वो थी मिरेकल इन सेल सेवन. हाँ, इट वॉज एन अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट, अमेजिंग फिल्म, ट्रेंडिंग में जा रही है. अब मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हम सब सारी फिल्में ऐसी बनाना शुरू कर दें, लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं करना चाहूंगी कभी भी. वो इसलिए नहीं कि मैं शायद उस, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन है, मैं वो डिपेक्ट करना चाहूंगी जो हमारा कल्चर है. उसमें अगर कुछ बोल्ड दिखाना है, कोई हिस्सा हमारे कल्चर का ऐसा है, तो व्हाई नॉट.
बट जस्ट फॉर अपीलिंग के भाई देखने के लिए लोग आए कुछ ऐसा कुछ वो नहीं तो आइटम नंबर करते हुए नहीं देखेंगे never. I don't think so. Never say never. Never say never. Yeah, never say never. Never say never. But no, it's good to know that you have, you're very clear about what you want from your career. And is it satisfying? दूसरा आखिरी मतलब one of my last questions is that आपने इतने इतना काम किया है और मेरे ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपकी जो लुक है वो जंप नहीं करती फ्रॉम सीन टू सीन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट पे ही काम करती हैं एंड देन यू टेक अ ब्रेक एंड देन यू चेंज योर लुक फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच इज क्वाइट कमेंडेबल बिकॉज ऐसा नहीं हो रहा और बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके एक सीन में बाल लंबे होते हैं और दूसरे बाल छोटे होते हैं बिकॉज वो मल्टीपल प्रोजेक्ट साथ साथ शूटिंग कर रहे होते हैं बट आर यू सैटिस्फाइड with the fame that you are picking up and the appreciation and even the money that actors and actresses are making I mean is it a satisfying package for you ya aap sochte ho ki yaar agar main yahan kaam kar rahi hoti to mujhe bahut paisa milte ya mujhe zyada shohrat milti main agar india mein hoti to kahan se kahan pahunch jati amna I am more than happy I am more than happy what I have in my life What I have right now, mashallah. मैंने अपनी कभी भी जिंदगी ऐसे डिजाइन नहीं की थी ऐसे प्लान नहीं की थी मैं बड़ी रिजर्व किस्म की इंसान हूँ मैं अभी सेट पे भी बहुत कम होता है कि मैं बात करूँ या मैं इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ मैं दोस्ती ही नहीं करती बहुत ज्यादा लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो अभी इस वक्त मेरे पास है इस टाइम फ्रेम में हाँ एक मेरी ख्वाहिश है अल्लाह करे कभी पूरी हो कि मैं इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं कहीं हॉलीवुड में या किसी भी सिनेमा में जो क्राफ्ट मेरे पास है उसको मैं इस्तेमाल करूं किसी छोटे स्केल पे ही सही बट आई वॉन्ट टू यूज दिस क्राफ्ट एंड आई वॉन्ट टू यूज दिस स्किल या फिर अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें बनना शुरू हो जाए जहां पर अभी भी मैं मेरा ना शुक्रापन होगा कि मैं कहूँ क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि मुझे हमेशा मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच किया जाता है मोनोटनी नहीं होती तो उसके लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल बट ये कि दिस इज वन ऑफ माय विश कि अगर मैं अपने काम को और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनली ग्लोबली बिल्कुल इंटरनेशनली या करें इंशाल्लाह आपकी ये विश पूरी हो और मुझे पता है आप यू आर नॉट गोइंग टू रिवील एनीथिंग अबाउट द स्टोरी बट आई वुड ऑन द लास्ट नोट wish you I mean I would request you ki aap kuch hame give the audience something to build on to look forward to in Majbeen and Abdullah's love story koi aisi cheez ki aap kahein ki bhi is wonderful question ye hone wala hai Majbeen aur Abdullah ki aage aakhri kis tak एक खूबसूरत इमोशनल स्टोरी अटैचमेंट की स्टोरी चाहे वो अपार्ट होंगे चाहे वो डिटैच होंगे चाहे वो अटैच होंगे उनकी इंतहा से ज्यादा एक खूबसूरत जर्नी चलेगी आखिरी वक्त तक और वो लम्हा लम्हा जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऑडियंस इंजॉय करेंगे जो तमाम लोग देख रहे हैं या That's great. हमें हम it's बहुत खूबसूरत तो ये अल्फाज जो है वो अब I'm sure देखने वाला है हर बंदा आपके इस स्टेटमेंट को खोदेगा और निकालेगा कि अच्छा अब ये अलहदा हो जाएंगे अब ये साथ हो जाएंगे अब क्या होता है और क्या नहीं होता मगर ये हैप्पी एंडिंग है तो I'm thank you for giving them something to look more to look forward to क्योंकि ऑलरेडी लोग इतने इन्वेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में और मेरे हाल पर्सनल लेवल पे वो इन्वेस्टेड है कि हम देखें ट्रू एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अबाउट माय कास्ट आई वाज वर्किंग विद इन प्यार के सदके फर्स्ट उमेर राणा ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद एंड ही इज सो फनी एंड हिज एनर्जी इज सो नॉटी और फनी एनर्जी होती थी बट सर्वर को भाई बहुत सर्वर नहीं एक बात पे बड़ा मुझे इतराज है पता नहीं आपने वो इंटरव्यू देखा कि नहीं आई इंटरव्यू जो उमेर राणा कपल ऑफ वीक्स अगो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं सर्वर इज अ ग्रे कैरेक्टर वो विलन नहीं है तो अब लोग उनके पीछे पड़ गए कि उन्होंने क्यों कहा ये तो ऐसा विलन है कि अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में हो पूछे इनसे कि अगर सर्वर विलन नहीं है तो फिर विलन क्या होता है
वेरी 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 राइट. पता नहीं मुझे, क्योंकि देखिए मेजरली उमेर का है तो सही नेगेटिव या विलन का कैरेक्टर, बट अगर वो अपनी स्किन में रहते हुए सर्वर की उसमें अगर सोचें तो वो एक बैक स्टोरी क्रिएट की उन्होंने कि वो किस चीज से गुजरे या कुछ और इस तरह के बन गए, तो शायद वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो. बट वो बट हमने बात करने वाले वो बहुत अच्छी फील ही हो रहे हैं और वो बहुत बेसी करते हैं अब्दुल्ला की, हमें बिल्कुल नहीं पता. एग्जैक्टली. आप कह रही थी कि एक तो उमेर राना ग्रेट टू वर्क विद. और अतीका जी के बारे में आई वुड लाइक टू से कि भाई कभी प्रोडक्शन के छोटे मोटे मसले होते हैं लेकिन वो इंतहा से ज्यादा पॉजिटिव इंसान है, हमेशा सोल्यूशन पे बात करेंगी, हमेशा अच्छा ऐसे कर लो ये हो जाएगा. वेरी एक्टिव ऑन सेट, वेरी गुड एनर्जी. बिलाल का तो मैंने जिक्र किया ही है कि भाई बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा इंसान है. सॉरी आपकी बात काटूंगी और बड़ी छिछोरी बात मैं पूछने वाली हूँ, लेकिन क्या ये केमिस्ट्री और एनर्जी ऑफ स्क्रीन भी है या सिर्फ ऑन स्क्रीन है? मैं तो आपकी एक्सप्रेशन को जूम करना चाहूंगी. अच्छा, बिलाल के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टर्स ऐसे प्ले किए ना जिसमें कुछ ऐसा नहीं था, जिसमें कुछ कंपटीशन ऐसा नहीं था या ये नहीं था कि तू या मैं. वो महाजबीन अब्दुल्ला वैसे इतनी प्योर सी एनर्जीज थी, तो वो हमारा असल में भी ऐसा ही दोस्ती का एक बड़ा अच्छा रिश्ता है. मेरा बिलाल के साथ बहुत बहुत ही अच्छी दोस्ती है और मैं तो चाहूंगी कि आगे भी मैं कभी उसके साथ कोई मुख्तलिफ कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगी. और अब्दुल्ला वाली कुछ दूरी दूरी सी दोस्ती है या क्या क्या क्या? नहीं, आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं है. आप तो सीरियसली क्यूट लगती है ना. जब मैं शरारत कर रही हूँ इस वक्त, मैं बिल्कुल शरारत कर रही हूँ, आप बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं. मैं यूजुअली ऐसे सवाल पूछती नहीं हूँ लेकिन क्योंकि कैरेक्टर से इतनी अटैच्ड हूँ, मैंने अपना हक समझा कि मैं ये सवाल करूँ. अरे यार थैंक यू. लेकिन नहीं कि अब मैंने आपको जैसे आपको जवाब दिया कि आई हैव अ वेरी वेरी क्यूट एंड अ वेरी प्योर रिलेशनशिप विद हिम मेरी दोस्ती का, तो या दैट्स फैंटास्टिक. आई थिंक दोस्ती से बढ़कर वैसे दुनिया में कुछ नहीं होता. एंड आई ऑलवेज से कि यू नो हर अच्छी रिलेशनशिप जो है वो दोस्ती से ही शुरू होती है, बेशक वो माँ बाप के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो. हर रिलेशनशिप दोस्ती और दोस्ती ट्रस्ट में, ट्रस्ट के साथ शुरू होती है. तो अगर आपकी दोस्ती है बिलाल के साथ और वो अंडरस्टैंडिंग है, तो आई थिंक यू गाइस इसी की वजह से आपकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, बिकॉज आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं. तो मैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल मजाक कर रही थी और बिल्कुल छेड़ रही थी. लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग सेट पे अगर हम लोगों ने काम किया है किसी ने भी, तो हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे. बिलाल भी बहुत ज्यादा खामोश सा इंसान है सेट पे और मैं भी बिल्कुल भी बात नहीं करती. बट ये कि हमारे जो डायरेक्टर हैं उनकी वजह से हम लोग सब एक फैमिली की तरह ही हम लोगों ने काम किया. और मैं बस जल्दी से रैप अप करूंगी कि सरहा और यशमा और सलमा हसन और मुंशी जी, हम दोनों मुंशी जी कहते हैं, मैं और सलमा दोनों मुंशी, तो सबके साथ सभी बड़े ही पॉजिटिव. हम लोग बड़े लकी थे कि सब इतने पॉजिटिव और गुड एनर्जीज थी सेट पे और वो फिर प्यार के सदके में बनी चीज. बिल्कुल, आपकी एनर्जी जो है वो स्क्रीन से ऐसे ऐसे लपक लपक के बाहर निकलती है, इसलिए कि कौन उसने मुतासर किया है. और आई थिंक पाकिस्तान देख रहा है ये ड्रामा. शुरू जब हुआ तो थोड़ी कन्फ्यूजन थी, मुझे भी थी कि भाई ये कैरेक्टर्स कुछ नॉन रियल हैं, कुछ इनकी सेटिंग समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर बैठ गए अपनी सेटिंग में. एंड अगेन आई मीन यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. आपने वक्त निकाला बहुत दूर और वो भी रोजे में, और मैं बीच में पानी पीती रही और मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप मेरे से 10 घंटे पीछे हैं और आपका रोजा होगा. तो अच्छा, मैंने अभी आपको पानी नहीं, मैंने आपको पानी पीते हुए नहीं देखा और मुझे वाकई वक्त का नहीं पता चला हमारा कितना टाइम अभी हुआ है कुछ. अच्छा, इसमें टाइम नहीं आता. अच्छा, मैंने मेरे से गलती हुई, मैं माजरत चाहूंगी, बिकॉज मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं था. मेरे यहाँ यहाँ रात के 1 बज रहे हैं सुबह के, तो हम अफ्तारी के बीच में, मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप 10 घंटे पीछे हैं. तो आप रोजे नो प्रॉब्लम, लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी एनर्जी से लग रहा है रोजा लग रहा है. हाँ हाँ, मेरा मेरा जो है वो ऐसे ही होता है. मैं तो बल्कि अपने आप को
मैं अपने काम के बीच जब काम कर रही होती थी तब भी रोजे रखती थी। हमारे जिस्म का सदका होता है ना, मैं तो वर्कआउट भी करती हूँ, मैं तो रनिंग के लिए भी जाती हूँ रोजे के साथ। तो अल्लाह ताला इतनी एनर्जी दे कि हम लोग, अल्लाह ताला आपकी एनर्जी कायम रखे और आप ऐसे रोल्स करती रहें। एंड पार्टिंग नोट, स्टे सेफ इन लॉकडाउन एंड वी होप दैट आपको जल्दी आप वापस आएंगी, अपना कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट खत्म करेंगी एंड देन इंशाल्लाह दे विल बी मच मोर अहेड। और अच्छे रोल्स करती रहें, कैरेक्टर्स करती रहें, लोगों को खुश रखती रहें, एंड दैट्स ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आमना। और मैं कहना चाहूंगी कि आपके रिव्यूज मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े सही सेंसिबल। जिस पे आप तंकीद करती हैं वो भी सही होता है, जिसकी तारीफ करती हैं वो भी अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और आई लुक फॉरवर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली।